आखिर क्यों फिल्म जगत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माता फिल्म लेखक वी के विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बजरंगी भाईजान की कहानी लिखी है, इन्हें बजरंगी भाईजान 2 की कहानी लिखने में 5 साल क्यों लग गए? फिल्म की कहानी क्या होने वाली है इस बार और क्यों? डायरेक्टर SS राजामौली, जिन्होंने बाहुबली बनाई है, बजरंगी भाईजान फिल्म को डायरेक्ट ना कर पाने का मलाल आज भी करते हैं, लेकिन क्या अब वो बजरंगी भाईजान 2 को डायरेक्ट करेंगे? और सबसे बड़ी बात, बजरंगी भाईजान 2 कौन से बड़े सुपरस्टार की फिल्म के साथ टकरा सकती है, क्योंकि दोनों फिल्मों का प्लॉट एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो अगर आप भी ये सब बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के कुछ फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। साल 2015 में बजरंगी भाईजान रिलीज हुई थी और रिलीज होने के साथ ही फिल्म ने पूरी दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, सलमान खान की सुपरहिट फिल्म को सलमान खान से पहले ऋतिक रोशन, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और आमिर खान को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से इस फिल्म को सबने करने को मना कर दिया और बाद में जाकर ये फिल्म सलमान खान को ऑफर हुई, जिसकी वजह से आज ये फिल्म एक ऐतिहासिक कल्ट फिल्म बन चुकी है। वैसे तो इस फिल्म की पॉपुलैरिटी के हिसाब से इस फिल्म का सीक्वल बहुत पहले ही बन जाना था, लेकिन वी के विजेंद्र प्रसाद बजरंगी भाईजान के बाद RRR की स्टोरी पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बजरंगी भाईजान 2 की स्टोरी पर 2 साल तक काम ही नहीं कर पाए। इसीलिए अब 5 साल बाद जाकर बजरंगी भाईजान 2 की स्टोरी कंप्लीट हुई तो उन्होंने सलमान खान को स्टोरी सुनाई और सलमान खान को स्टोरी बहुत पसंद आई है और इसके बारे में सलमान खान ने खुद RRR के एक इवेंट के दौरान बताया और साथ ही अनाउंसमेंट भी कर दी है कि वो बजरंगी भाईजान 2 लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, SS राजामौली बजरंगी भाईजान को डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उस दौरान वो बाहुबली फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, जिसे उन्हें बनाने में 10 साल लगे थे और इस वजह से वो उस दौरान बहुत बिजी थे और इसलिए वो बजरंगी भाईजान को डायरेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि सलमान खान इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाए। और इस बारे में भी वो अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि सलमान खान उनके सबसे फेवरेट एक्टर हैं और वो बजरंगी भाईजान को डायरेक्ट नहीं कर पाए, इस बात का मलाल उन्हें हमेशा रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, इस बार अकॉर्डिंग टू रूमर्स SS राजामौली बजरंगी भाईजान 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले, सनी देओल ने भी अपनी फिल्म गदर 2 की अनाउंसमेंट कर दी है और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, दोनों फिल्मों की कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती है। जहां बजरंगी भाईजान इस बार फिर से पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो वहीं गदर 2 में सनी देओल भी फिर से पाकिस्तान जाने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं, तो आप सबसे पहले कौन सी फिल्म को देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।